पार्ट थ्री पे आते हैं। दो पार्ट हो गए पूरे, सिंपल का और कंपाउंड का। अब अपन आते हैं पार्ट थ्री, गैंग टू या मल्टीपली टूल या गैंग टूल या मतलब कि एक से एक ज्यादा स्टेशन वाला टूल। आप देखो इसमें टॉप प्लेट ये है, ये टॉप प्लेट है, ये बॉटम प्लेट है, पिलर सेट है। अब इसमें एक लीनियर वे में दिया हुआ है पिलर सेट, दो सिंपल डाइयां जोड़ रखी है, सिंपल डाई एक ये वाली और एक सिंपल डाई ये, ठीक है। स्टेशन एक सिंपल डाई में दो स्टेशन ऑलरेडी बना रखे, तो इसको भी गैंग बोल सकते हैं। दो स्टेशन है, ठीक है, लेकिन तीनों में ऑपरेशन फॉर्मिंग का ही हो रहा है। इसमें एक अलग अलग ऑपरेशन भी हो सकते हैं, तो एक दो और तीन। अब इसमें हमारा देखो प्राइमरी ड्रॉ उधर से आ रहा है, रफ ड्रॉ। इसमें से स्विच होगा, थोड़ा शेप यहाँ लेगा, उससे ज्यादा यहाँ और उससे ज्यादा यहाँ, क्योंकि अगर हम इस डूम को ये है ना ये वन टाइम में फॉर्म कर देंगे तो ये क्रैक हो जाएगा। तो वन टाइम में फॉर्म ना करके उसको दो तीन महीने रफ ड्रॉ बोलते हैं। जब इसका फाइनल शेप होगा तो उसका आईडी और ओडी, आईडी भी मास्टर होगी और ओडी भी मास्टर होगा, यानी कि पंच और डाई, ओडी के लिए डाई और आईडी के लिए पंच फॉर्मिंग में, ठीक है। तो गैंग टूल में कुछ नहीं होता, सिंपल टूलों को दो तीन स्टेशन में टॉप बॉटम के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। और जब भी ऑपरेटर लगाएगा तो ये पार्ट ट्रांसफर कैसे करेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और एक नया पार्ट यहाँ, इसको हटाएगा, नया पार्ट यहाँ लगा दिया फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया, और ये एंड वाला पार्ट है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो गैंग टूल में ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल इतना ध्यान रखो दो या दो से ज़्यादा सिंपल टूल को या स्टेशनों को हम एक ही पिलर सेट में एक ही उसमें जोड़ दें, ठीक है, इनके सेटिंग ब्लॉक कहेंगे। अब यहाँ पे इसका और इसका सेटिंग ब्लॉक भी नहीं है, सेटिंग ब्लॉक होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए कम गैंग डाई में। जब भी चाल बढ़ाओगे तो इसकी और इसकी दोनों साथ साथ बढ़ेंगी, ठीक है। ये ड्रॉबैक है, अगर इसमें दोनों फॉर्मिंग है, अगर एक कटिंग होता एक फॉर्मिंग होता और कटिंग में उसने क्या करा कि पंच ग्राइंड कर दिया, रिशार्प कर दिया और किसमें कुछ नहीं करा और उसकी पंच की हाइट भी नहीं बढ़ाई, तो क्या होगा, पंच तो छोटे हो गए। आप चाल बढ़ाओगे तो ये डेड हो जाएगा, पहले ये हवा में रह जाएगा। तो गैंग टूल में अगर कटिंग फॉर्मिंग एक साथ मर्ज हैं, टूल लगे हुए हैं, तो टूल रूम वाले को चाहिए कि वो जितना ग्राइंड कर रहा है उतने की पैकिंग लगाए, या जो कॉलर होता है ना पंच का उस पर कट लगाए, ताकि जितनी पंच की हाइट पहले थी उतनी हाइट मेंटेन हो, है ना। अगर ऐसा वो नहीं करता तो वो डेड ब्लॉक पे कट लगाए, लेकिन डेड ब्लॉक मास्टर होता है, इसको कभी कट लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं माइनर कर पा रहा है मेंटेन तो यहाँ पे कट लगे, ठीक है। ये ड्रॉबैक होता है, मेंटेनेंस में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है टूल मेंटेनेंस में, ठीक है। तो चैप्टर क्लोज, तीन चैप्टर क्लोज हो गए, अब हम चौथे चैप्टर पे जाएंगे। चौथा चैप्टर था कॉम्बिनेशन टूल का, है ना, कॉम्बिनेशन टूल का, ठीक है।